हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिबन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ONGC शेयर्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ONGC शेयर्स कितने पे ट्रेड करते हुए दिख रही है, 184 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। जो आज के दिन नहीं देखे ONGC में जो तगड़ा माहौल बना है उस चीज के बारे में बात करते हैं। बट अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए और वीडियो पे लगातार बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ONGC कुछ इस तरीके से फ्लो मेंटेन कर रही थी और आधे से ज्यादा लोगों का, इनफैक्ट आधे से ज्यादा क्या मेरा खुद का डाउट था, ये डाउन ट्रेंड क्रिएट करते हुए दिखेगी। सॉरी फॉर साउंड, हाँ तो ये डाउन ट्रेंड क्रिएट करते हुए दिखेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होते हुए दिखा यहाँ पे। और यहाँ पे तेजी देखने को मिल गई और तेजी देखने को मिली भी तो 1.32, तो मतलब ये लास्ट वाला जो फ्लो देखने को मिला वो बहुत ही अमेजिंग रहा है और मार्केट में बहुत ही फाड़ू, मतलब बहुत ही तेजी, मतलब आई एम लिटरली हैप्पी फॉर दिस। यहाँ पे बात करें ONGC में, इनफैक्ट मैंने भी उठाया हुआ था होल्डिंग्स यहाँ पे, मैं भी लगता मंडे को ही उठाया था होल्डिंग्स। तो यहाँ पे आज के दिन देख सकते हैं तेजी जो बनी है तो वो खुशी का माहौल बना दिया है। बट हाँ, ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ONGC में अभी भी होल्डिंग्स अच्छी खाती है, 61.06, तो अच्छी होल्डिंग्स बनते हुए दिख रही है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कमी होते हुए नहीं दिख रही है, भागते हुए शेयर्स दिख रही है। 190 तक आ गई थी, चांसेस बन रही थी कि 200 तक जाए, यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस बना हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले ही बात कर लिया था कि इतना ऊपर जाने का चांसेस है, बट अभी जो करंट सिनेरियो आ रही है यहाँ पे मार्केट में चले जाते जस्ट वेट। तो यहाँ पे जो अभी करंट सिनेरियो आ रही है कि मतलब यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया था वहाँ पे तो टच करते हुए नहीं दिखी, बट ऑलमोस्ट उस रेंज में आ चुकी है। तो यहाँ पे जिस लोग ने भी मूव आउट किया होगा तो एक अच्छा ऑप्शन था, बट अभी चांसेस, हाँ अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुकी है, यहाँ से तेजी बनने की चांसेस बन रही है। तो यहाँ पे थर्सडे, मतलब अभी वेनसडे, थर्सडे का 2 दिन बाकी है मार्केट क्लोजिंग में, मतलब एक्सपायरी होने में, और मार्केट क्लोजिंग और ये एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं और 3 मंथ में मैं चला जाता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ मैं। जस्ट वेट, लगता है नेक्स्ट स्लो हो गया या तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो मेंटेन करते हुए दिख रहा है। बट आपको ये रेंज याद रखना है कि ये रेंज ब्रेक हो जाए, 190 का रेंज ब्रेक हो जाए तो आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। बट हाँ, बी अवेयर फॉर दिस, यहाँ पे एक फिलहाल अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यही एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे 185 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मेजर रोल प्ले करने वाली है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस मैटर में बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ट्रेड करना है। ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा इनिशियल है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब ONGC के साइड बात करें तो यहाँ पे बाकी के साइड वैसा कुछ खास यहाँ पे आया नहीं है, रेवेन्यू के साइड तो कमी होते हुए दिखे, वो तो फंडामेंटल है। बट अभी हम लोग के पास टेक्निकल ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे कुछ वैसे कोई खास न्यूज निकल के नहीं आई है। ऑल ओवर बस अभी एक ही चीज चर्चा में, आगे के ONGC में क्या करना है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं मिलता है तो अब दिक्कत की बात है। बट चांसेस जिस तरीके से कल रहता है, क्योंकि निफ्टी आज कॉन्सोलिडेट करते ही हुए दिखी मार्केट में, बट उसमें भी हमें ONGC में तेजी दिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्यूचर मार्केट में बात करें तो फ्यूचर मार्केट में आपको और मतलब यहाँ पे एक सिनेरियो बन सकता है कि जहाँ पे आपको अगर निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड क्रिएट कर देती है, मतलब 19600 को ब्रेक कर देती है, तब आपको ये तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। बट वो भी एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक एक्सेप्शनल केस में कभी भी बन सकती है। तो यहाँ पे बस मैं ऑल ओवर एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो अभी करंट पॉइंट है 190 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मेजर रोल है, इनफैक्ट 185 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि डेली अपडेट जरूरी है।